एडिशन ब्लू के अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गया हूँ होटल में, तो मुझे थोड़ा वेट करना होगा। और अभी इन लोगों ने ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, इसको फिलअप करना है मुझे। एंड अगर मैं अंदर एंट्रेंस की बात करूँ तो बाहर ही जो मेरा बैग था पूरे अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया गया, मेरा टेम्परेचर चेक हुआ, अपने हाथों को फिर मैंने अच्छे से सैनिटाइज करा, उसके बाद मुझे अंदर एंट्री मिला। फिलहाल इस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करता हूँ, उसके बाद देखो कब तक चेक इन देते हैं ये लोग। तो जब तक मैं वहां पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तब तक सोचा मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूँ। तो जैसा कि आपको ही पता है कि अभी दिवाली आने वाला है और मैं हर साल अपने मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहता हूँ, तो इस साल भी मैं सोच रहा था कि उनको क्या गिफ्ट दूँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि उनको मैं देता हूँ गिफ्ट स्टार हेल्थ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं अपने मम्मी को दे रहा हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस दिस दिवाली, क्योंकि उनका हेल्थ ना मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आप में से काफी लोग पूछोगे कि मोहित भाई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं, दे हैव द वाइडेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क ऑफ ओवर 10,000 हॉस्पिटल्स। अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, तो आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने का जरूरत नहीं है, तो ये काफी हैसल फ्री एंड टेंशन फ्री है। और साथ ही साथ अगर आपको घर पे कोई भी दिक्कत होता है ना और आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप घर बैठे हुए आराम से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। सिंस स्टार हेल्थ एज एन इन हाउस क्लेम मैनेजमेंट टीम, इट इज इजियर टू प्रोसेस एंड फाइल क्लेम्स, एंड ऑल स्टार हेल्थ पॉलिसीज कम्स विद कोविड कवरेज विद 98% कैशलेस कवरेज इन लेस देन 2 आवर्स। सो स्टार हेल्थ इज माई नंबर 1 चॉइस। तो मुझे नहीं पता आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, बट मेरे लिए हेल्थ में इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट करो और गिफ्ट स्टार हेल्थ करो अपने फैमिली मेंबर को या फिर अपने क्लोज वन को। दिस दिवाली फॉलो द स्टार हेल्थ इनिशिएटिव एंड गिफ्ट स्टार हेल्थ। और अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो ये मेरे तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली का एक छोटा सा तोहफा। सो हैप्पी दिवाली गाइस। तो फॉर्म वगैरह फिलअप करके मैंने दे दिया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा अर्ली चेक इन के लिए, तो उन्होंने कहा कि अपने साइड से वो पूरा ट्राई कर रहे हैं 7:30 बजे तक रूम देने का, और अभी 7 बजने वाला है। सो अगर ये हो जाता है तो थैंक्स रेडिशन ब्लू रांची। और एक बात, रवि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों ने रेडिशन क्लब का मेंबर भी बना दिया, ग्रेट। फिलहाल जब मैं चेक इन करता हूँ तो दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच रेडिशन ब्लू रांची मुझे इतने जल्दी रूम प्रोवाइड करने के लिए। इनका जो चेक इन था, जैसा कि मैंने बताया कि 2 बजे का था, और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं। वैसे ये जो आप रूम देख रहे हो ना, ये इनका सुपीरियर रूम है, इसके ऊपर एक बिजनेस रूम है और उसके ऊपर स्वीट है। 3 कैटेगरी का ही रूम मुझे दिख रहा था इनका, मैंने ये लिया जो कि मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, और व्यू भी मैं बोलूंगा काफी हद तक सही मिला है मुझे। फिलहाल मैं आप लोग को जल्दी से एक रूम टूर दे देता हूँ। तो ये रूम के अंदर एंटर करते ही आपको राइट साइड में मिल जाएगा इनका वार्डरोब, लेफ्ट साइड में है ये इनका वॉशरूम जो कि मैं दिखाऊंगा अभी अंदर जाकर। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इनके वार्डरोब में क्या क्या है। तो वार्डरोब में ये इनके हैंगर्स, एंड ये देख लो, ये आप अपने कपड़े वगैरह को आयरन कर सकते हो। बाकी इधर क्या है, अच्छा तो यहाँ एक लॉकर है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। नीचे 2 स्लीपर्स है, साथ में एक शू शाइन, एंड ऊपर में एक बाथरूम भी है। तो अब मैं इनके वॉशरूम को भी दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, ये इनका शावर एरिया है, इधर ढेर सारे टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, एंड वॉशरूम के अंदर भी एक इंटरकॉम आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक हैंड सैनिटाइजर मुझे दिख रहा है, साथ में एक बार। इधर इनके ढेर सारे ये टॉयलेटरीज है जहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे शैम्पू, बॉडी लोशन, शेविंग किट, 2 डेंटल किट, शावर कैप, एंड ये कंडीशनर। तो ओवरऑल ये सारे इनके टॉयलेटरीज है, ये शायद मुझे शावर जेल लग रहा है। एंड इधर आपको मिल जाएगा एक हेयर ड्रायर, एंड इसमें एक सैनिटरी बैग। वॉशरूम से निकलते ही यहाँ पास में एक बहुत ही बड़ा सा मिरर है, और उसके ऑपोजिट में भी एक छोटा सा मिरर है, एंड यहाँ पे ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी बनाने के लिए। नीचे इनका ये मिनी फ्रिज है, जो कि मैंने नीचे बात कर लिया था, मिनी फ्रिज में कुछ भी नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं। एंड इधर ये ड्राई स्नैक्स, तो इधर भी कुछ भी नहीं होगा। इसमें देख लेता हूँ क्या है। तो ये इनका लॉन्ड्री रेट है, तो इधर मेरा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये देख लो, ये रहा इनका रूम। रूम मैं बोलूंगा काफी सही है, बेड तो देखकर लग रहा है सुपर कंफर्टेबल है। पास में ही आपको एक मिल जाएगा इंटरकॉम, इधर ड्रॉयर है। दोनों ही बेड के साइड में मिल जाएगा आपको ये बुक रीडिंग लाइट, ऊपर लैंप। साथ में यहाँ पे एक वर्किंग डेस्क है जहाँ पे आप बैठ के अपना काम वगैरह कर सकते हो। एक लैंप यहाँ भी है। यहाँ एक सोफा बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो इस नजारे को एंजॉय करते हुए। थोड़ा फॉग है बाहर में, इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी अभी मैं क्या करता हूँ ना, जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट भी करना है मुझे, ब्रेकफास्ट होटल में ही कर लूंगा, बाहर के आ ही जाऊँ अभी। फिलहाल अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, तब तक आप लोग मैंने रूम के अंदर कुछ शॉट्स लिए हैं, उसको एंजॉय करो।
जस्ट मैं फ्रेश होके आया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि रूम में ही अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूँ, देखता हूँ ब्रेकफास्ट में वैसे है क्या क्या इनके पास। तो अभी मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर किया एक डोसा, साथ एक उत्तपम और एक चाय बोला है, और उत्तपम का जो है 275 रुपीज दिखा रहा है, रेट मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा है। इन लोगों ने कहा है कि 45 मिनट का टाइम लगेगा, तो जब आता है मेरा ब्रेकफास्ट तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ आ चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था डोसा, साथ में ये उत्तपम, तो ये सांबर और ये दो चटनी, और साथ में मेरा यहाँ चाय भी है। तो ओवरऑल देख लो, ये होने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैंने इनका डोसा ट्राई किया और साथ में उत्तपम भी थोड़ा ट्राई किया। तो मैं बता दूं, उत्तपम मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगा, डोसा मैं बोलूंगा ठीक है, मतलब नॉर्मल सा डोसा है, लेकिन उत्तपम का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, साथ में इनका सांबर और चटनी भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्ट मैं रूम आया और मम्मी ने ये कॉफी बना के रखा था, तो वही पी रहा हूँ अभी। वैसे एक बात मैं बोलूंगा, रांची के लोग बहुत ही स्वीट है, मुझे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स मिले। वैसे मैं बता दूं, मैं यहां से गया था न्यूक्लियस मॉल, और वहां पे मैंने जाके वहां का कुछ तो एक तंदूरी चिकन जैसा आइटम ट्राई किया, जिसके अंदर में चीज वगैरह स्टफ था, और भाई वो काफी सही लग रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा वो। ऑलराइट, तो अभी मैं रांची के फेमस न्यूक्लियस मॉल में आया हूँ। तो मैं अभी ये न्यूक्लियस मॉल में था, जस्ट खा ही रहा था, तो ये मेरे 3 सब्सक्राइबर मिले। आपने अपने नाम बता दो। विप्लव। हाँ, विप्लव। विप्लव, ऋषभ, अमर। तो आप तीनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। रांची में कब तक हो आप? कल तक। वो सब ट्राई करने के बाद मैं निकल गया चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय मुझे कितना पसंद है ये आप भी जानते हो। बस अभी रांची के सड़कों पे घुमा जा रहा है, अभी मैं ये न्यूक्लियस मॉल से निकला और अभी जा रहा हूँ चाय बगल। मैंने सुना है वहाँ चाय काफ़ी अच्छा मिलता है, और मैंने एक व्लॉग देखा था रांची का, जो कि चाय बबल पे बना हुआ था, वो था सूडो व्लॉग। मैं उस व्लॉगर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैंने वो वीडियो देखकर ही डिसाइड करा कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो देखते हैं कैसा है वहाँ का चाय। फाइनली मैं चाय बबल आ गया हूँ, और ये इनका मेन्यू है। बाकी यहाँ पे चाय के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो एक चाय लेता हूँ अपने लिए। अब इस पर प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाऊँगा मैं, बस मुझे यहाँ का चाय ट्राई करना था, इसलिए मैं आया हूँ। और जैसा कि मैंने सुना था यहाँ का चाय अच्छा होता है, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा था। ये जो चाय था दम चाय था, और मुझे थोड़ा कड़क टाइप का चाय पसंद है, और ये एक्चुअल में कड़क था। अगर आपका कभी भी चक्कर लगे वहाँ का, तो उनका कड़क चाय जरूर ट्राई करना, चाय बबल का बहुत ही सही है। ये जो है ये मेन रोड है, और जो मेरा होटल है रेडिशन ब्लू वो इसी साइड है, स्टेशन भी इसी साइड है। काफी बिजी एरिया है, और आप इसको मेन एरिया भी बोल सकते हो रांची का। फिलहाल मैं अपने अभी रूम में आया हूँ, और मैं बता दूं, ये जो मेरा रूम बुक हुआ है ना, उसमें 2 पैकेज इंक्लूड है, एक ब्रेकफास्ट बुफे का और डिनर बुफे का। तो थोड़ी देर बाद हम लोग डिनर करने जाएंगे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुका है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ डिनर करने के लिए। तो नीचे जाके मैं दिखाता हूँ कि इनके डिनर बुफे में क्या क्या है। वैसे जो डिनर बुफे इनका 10 बजे तक है, तो अभी 1 घंटे है हमारे पास, नीचे जाके दिखाता हूँ क्या क्या है। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए आ गए हैं। वैसे इनका जो बुफे काउंटर है वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए मैंने ज्यादा व्लॉग वहाँ पे नहीं किया, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। वैसे देख लो, मैंने ये सारे आइटम लेके आ गए हैं, जो कि दही बड़ा है, पनीर टिक्का, चिली फिश है ये, और ये फिश सैलेड है, बाकी सूप है। इससे पहले मैंने इनका जो भी आइटम लिया था वो 1 नंबर था बॉस। तो अभी मैंने यहाँ पे नूडल्स, साथ में ये वेजिटेबल सूप, जो कि बहुत ही टैंगी सूप है। बाय द वे, ये वेजिटेबल टैंगी सूप है, तो ओवरऑल यही मैं खाने वाला हूँ। नूडल्स ठीक ठाक सा है, लेकिन इससे पहले जो जो आइटम मैंने लिया था ना, बहुत ही सही था इनका। तो मैंने भी डेजर्ट में ये सारे आइटम ले लिया है, ये केसरी फिरनी, काला जामुन, ये एसॉर्टेड पैनकेक, साथ में इसका नाम क्या था मैं भूल गया, लेकिन ये मम्मी ने ट्राई किया, बोला बहुत ही अच्छा है। इनके डिनर बूफे में बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। दिक्कत क्या है ना कि अभी काफी ज्यादा भीड़ है, और वहाँ पे ब्लॉग करना मुझको ठीक नहीं लग रहा है। और मैं बता दूं, मैंने बस अभी तक जितना आइटम लेके आया है ना, वो बस 50% है। 50% आइटम तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, और ये मेरा आइसक्रीम भी आ गया है, जो बहुत ही अच्छा लगा रेडिशन ब्लू का ये डिनर बूफे। तो फाइनली मैं डिनर करके अपने रूम में आ गया हूँ, और अगर मैं इनके डिनर की बात करूँ ना, जितने भी आइटम इनके ट्राई करे ना, मुझे हर कुछ काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट मम्मी ने भी बताया, मम्मी ने भी इनका जो जो ट्राई किया वो बहुत ही अच्छा था। इनका जो चिली फिश था ना, वो भी बहुत ही अच्छा था। एंड अगर मैं बात करूँ इनका डेजर्ट आइटम का, तो जो मैं ट्राई किया ना, वो मतलब मुझे ओके टाइप लगा, लेकिन मम्मी ने एक मूंग का हलवा ट्राई करा, वो काफी अच्छा था। उससे मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। अगर आप स्टे करने आते हो, तो आप ट्राई करना इनका डिनर बुफे वाला पैकेज इंक्लूड करवा लेना, या फिर लंच बुफे वाला, इनका खाना काफी अच्छा मिलेगा। एंड इनके डिनर से मुझे आइडिया लग गया है कि इनका जो सुबह ब्रेकफास्ट होगा वो भी कमाल का होने वाला है, और ढेर सारा ऑप्शन होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा एडिटिंग करने के लिए, उसके बाद सो जाऊंगा। अब मैं एक ही बार इस वीडियो को नेक्स्ट मॉर्निंग से कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी जस्ट मैं सो के उठा, हमेशा की तरह मॉर्निंग का शुरुआत गर्म पानी के साथ। वैसे मेरा आज चेकआउट है, आज वापस मैं कोलकाता के लिए निकल रहा हूँ। और आप में से काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मोहित आप आए हो रांची तो रांची को एक्सप्लोर करो, और यहीं से पास में जमशेदपुर है, आप जमशेदपुर भी आ जाओ। मैं बता दूं, अभी मैं काफी शॉर्ट टाइम के लिए आया था और बिल्कुल कम टाइम था हाथ में, इसलिए मैंने अभी ज्यादा कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा। कल बस ऐसे गया, इधर उधर घूमकर आ गया मैं। वैसे रांची से जितने लोग भी देख रहे हो, आप लोगों का शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स है जो मैं जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया टाइम कमी होने की वजह से। खैर कोई नहीं, अभी मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। ब्रेकफास्ट बुफे है बाय द वे। ये सब करने के बाद बताता हूँ टोटल कितने का पड़ा ये जो पैकेज वगैरह मैंने लिया था। फिलहाल गरम पानी। चलो मैं फर्स्ट क्लास नहा धोकर हो गया हूँ रेडी। अब टाइम हो गया है इनके ब्रेकफास्ट का, जाके नीचे दिखाता हूँ क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो ये सारे इनके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, बनाना केक, पूरी, आलू मटर भाजी, वेजिटेबल उपमा, गोभी पराठा, ऑनियन वड़ा, चटनी, इडली, सांभर, बेक बीन्स भी है इनके पास, ग्रिल टोमेटो, हर्ब पोटैटो, कॉर्न, बॉइल्ड एग्स, चिकन सॉसेजेस, भाई साहब दुनिया भर के ऑप्शन है इनके पास, कट फ्रूट्स, वाटरमेलन जूस, मूंग दाल का हलवा। ऑलराइट, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ये सारे आइटम ले लिए हैं, इडली, उपमा, वड़ा, ये चटनी, ये दो टाइप का चटनी, सॉसेजेस, चाय। ओवरऑल इनका ब्रेकफास्ट देखकर तो लग रहा है काफी अच्छा होने वाला है। तो इनके ब्रेकफास्ट में सब कुछ ही मुझे अच्छा लगा, स्पेशली इनका इडली। इडली बॉस बहुत ही सही है, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल जैसा टेस्ट होता है वैसे ही है, लेकिन इडली है ना कमाल का है। डोसा भी इनका अच्छा है, मतलब साउथ इंडियन इनका जितना आइटम है ना सब कुछ बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया इनका इडली बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने वापस से ले लिया इडली। ये देखो कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आया था मैं इनके पूल को दिखाने के लिए, लेकिन इनका पूल अंडर मेंटेनेंस है इसलिए नहीं दिखा पाया मैं वहां जाकर, तो आपको पूल नहीं दिखा पाया, लेकिन यहां से देख लो। चलो फाइनली टाइम हो गया है इस रूम को चेकआउट करने का। जैसा कि मैंने बताया था आज ही मेरा ट्रेन है, जो मेरा ट्रेन है वो शताब्दी एक्सप्रेस है हावड़ा के लिए, और वो 1:40 का उसका टाइमिंग है रांची से, और अभी ऑलरेडी बज चुका है यहाँ पे 11:30। इस होटल का चेकआउट टाइम है 12 बजे का, तो फटाफट सब सामान समेटना हो गया है, अब बस नीचे जाऊंगा, जो बाकी का पेमेंट है वो कर दूंगा। तो इस रूम को मैंने बुक किया है, बाय द वे ये जो है इनका सुपीरियर रूम है, एंड साथ ही मैंने इसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर बुफे ऐड करवाया था। ये सब कुछ लेकर मुझे टोटल पड़ा 5,200 रुपए का। इसके अलावा भी जब मैं कल रूम में आया तो मैंने ब्रेकफास्ट लिया और साथ में कॉफी चाय वगैरह भी मैंने बीच बीच में पिया है, और मैं दोपहर में बाहर गया था और मम्मी रूम में अकेले थी, तो मम्मी ने दोपहर में अपना लंच भी मंगवाया था, तो वो सब का लेकर एक्स्ट्रा टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं नीचे जाऊंगा चेकआउट करूंगा, वो लोग मुझे बिल देंगे तब मुझे पता चलेगा। ओवरऑल मैं बोलूं तो ये होटल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सर्विस भी इनका बहुत ही अच्छा है। चलो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख लियोगे तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और जाते जाते एक और छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, रांची में मुझे जहां भी लोग मिले, रोड में भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले, होटल में भी बहुत सारे, लॉबी में आए थे सब्सक्राइबर, जितने भी लोग अपना टाइम निकाल कर आए उनको दिल से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। फिर बहुत जल्द प्लान करता हूं, आता हूं तो साथ मिलके पूरा रांची घूमेंगे। चलो बाय।